हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि परासरण दाब किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम एक चित्र से समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको परासरण दाब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया परासरण दाब, परासरण दाब। तो भैया परासरण दाब किसे कहते हैं, यदि हम सबसे पहले इसके परिभाषा पे बात करें तो इससे पहले हम बता दें कि भैया जो परासरण होता है इसको हमने पहले पढ़ा दिया है। तो यदि आप परासरण को समझ गए हैं तो परासरण दाब आपको समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ कि परासरण यदि नहीं समझाएं फिर भी आप समझ सकते हैं। तो वो कैसे, देखिए एक हम ले लेते हैं बर्तन। ठीक है, एक हमने क्या ले लिया भैया, सबसे पहले एक हमने बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन में के बीच में हमने एक अर्धपारगम झिल्ली ले लिया। ये क्या है भैया, अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, तो अब ये अर्धपारगम झिल्ली में हमने एक ओर क्या ले लिया, एक ओर हमने कुछ और विलयन ले लिया और एक ओर हमने कोई और पदार्थ ले लिया। मतलब इधर हम ले रहे हैं विलयन, नाम याद रखिएगा, इधर हमने एक ओर लिया है क्या विलयन और एक ओर हमने ले रहे हैं शुद्ध विलायक। ठीक है, इतनी बात हमने समझा। सबसे पहले हमने एक बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने क्या किया, अर्धपारगम झिल्ली बीच में लगा दिया। एक ओर हमने क्या ले लिया विलयन और दूसरी ओर हमने शुद्ध विलायक लिया है। तो अब हम आपसे पूछें कि भैया इसमें से कौन तनु होगा और कौन सांद्र होगा, तो आप क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे भैया विलायक जो होता है वो तनु हो जाएगा विलयन की अपेक्षा, क्योंकि विलयन क्या होता है भैया, विलयन में विलायक भी है और इसमें विलेय भी है। ठीक है, तो भैया जब विलेय अविलायक दोनों हैं इसमें तो इसका मतलब ये गाढ़ा होगा ना और ये तनु होगा मतलब पतला होगा, तो इसका मतलब ये तनु विलयन है और ये सांद्र विलयन है। तो हम इसमें क्या कहेंगे भैया, तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि परासरण की क्रिया किधर से किधर होगी, तो आप कहेंगे जो भैया तनु विलयन होता है ना उसी में परासरण की क्रिया उधर से सांद्र विलयन की ओर होती है। तो भैया तनु विलयन ये है तो मतलब शुद्ध जल से अशुद्ध जल, शुद्ध जल से किधर होगा विलयन की ओर क्या होगा क्रिया होगा, मतलब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर परासरण की क्रिया होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया कि हमने क्या लिया, एक बर्तन में हमने क्या लिया, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन और शुद्ध विलायक को अलग किया है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि विलायक क्या होता है, तनु विलयन होता है, इसलिए शुद्ध विलायक से विलयन की ओर परासरण की क्रिया हो रही है। अब भैया ये जो विलयन है परासरण की क्रिया इधर हो रही है तो इसको रोकने के लिए इस पर जितना हम दाब आरोपित करते हैं, इस विलयन पे जितना हम दाब आरोपित करते हैं उस दाब को ही हम परासरण दाब कहते हैं। समझ में आया, मतलब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो दाब आरोपित करते हैं उसी दाब को हम क्या कहते हैं भैया, परासरण दाब कहते हैं। तो इसका हम परिभाषा कैसे कहेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन को यहां से फिगर से समझेंगे, ऐसे अपने नोट्स में लिखेंगे। तो हम क्या कहेंगे भैया, परासरण दाब का परिभाषा कहेंगे कि जब हम किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं या अलग करते हैं तो शुद्ध विलायक से विलयन की ओर क्या होने लगती है, परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो यहीं से हम डेफिनेशन को बोल सकते हैं। तो एक बार और मैं डेफिनेशन को बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ऐसे लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे भैया, परासरण दाब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है तब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर परासरण की क्रिया होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जब विलयन तथा शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक मतलब क्या होता है भैया, अलग, अलग करना।
मतलब पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपने, हमने अलग किया है ना, चाहे तो अलग हमने कर दिया, उसके बाद क्या कहा जाता है, तब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रासरण की क्रिया होने लगती है। तो हम लिखेंगे तब शुद्ध विलायक से विलयन की ओर परासरण की क्रिया होने लगती है, ठीक है। तो होने लगती है तब विलयन पर, मतलब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, तब लिखेंगे तब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परासरण जो दाब होता है, इसका हमने डेफिनेशन लिख दिया है। तो आशा करते हैं आप इस फिगर को देखकर आप परासरण दाब का परिभाषा बोल सकते हैं। तो एक बार और मैं फिगर से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और इसे लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से नहीं, आपको यहीं से डेफिनेशन को याद रखना है। तो हम क्या कर रहे हैं, जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है या अलग किया जाता है, तो परासरण की क्रिया शुद्ध विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से परासरण दाब का परिभाषा याद हो गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, यदि आपको इस वीडियो को समझ में आया है, तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में, तो आपको केवल उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है, तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो ये है 8874726058। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।